And student, today we are going to discuss the authentication function. So authentication function का मतलब है verifying the user's identity. Means suppose अगर A हमारे पास sender है, B receiver है, तो sender ने क्या किया, message को receiver के पास भेजा. तो वो suppose अगर अपनी sender जो है receiver की public key या अपनी public key के साथ message को encrypt करता है, तो जो receiver है उसकी प्राइवेट की के साथ, अपनी प्राइवेट की के साथ वो डेटा को डिक्रिप्ट कर लेता है. मींस यूज़र एक रिसीवर को पता चल जाता है कि जो मैसेज आ रहा है वो सेंडर की तरफ आ जाए. सो इट इज़ हेल्प्स टू फाइंड आउट द यूज़र्स आइडेंटिटी फ्रॉम वेयर द मैसेज इज़ कमिंग. एंड अथेंटिकेशन मस्ट बी देयर टू अथेंटिकेट मैसेज एंड अथेंटिकेटर आर डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ अथेंटिकेशन फंक्शन. सो जो ये मैसेज ट्रांसफ़र होता है कि ये मैसेज अथेंटिकेटेड यूज़र भेज रहा है, उसको वेरीफाई करने के लिए अथेंटिकेटर्स होता है. जो अथेंटिकेटर होता है वो हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अथेंटिकेशन फंक्शन. सो टाइप ऑफ अथेंटिकेशन, अथेंटिकेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे अचीव करते हैं अथेंटिकेशन, इसके लिए फंक्शंस की कुछ टाइप्स है. सो फर्स्ट इज मैसेज इंक्रिप्शन. मैसेज इंक्रिप्शन का मतलब है कि जो भी मैसेज सेंडर टू रिसीवर पास हो रहा है उसे कैसे इंक्रिप्ट करना. साइफर टेक्स्ट जो है इसमें वो एक्ट एज अथेंटिकेटर की तरह एक्ट करता है. देन द सेकेंड इज मैक, दैट इज मैसेज अथेंटिकेशन कोड. इसमें क्या होता है, कुछ अथेंटिकेशन फंक्शंस होते हैं, हम वो प्लेन टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ की. एक फिक्स्ड लेंथ कोड हमारे पास जनरेट होता है, उसे मैक कहते हैं. सपोज सी हमारा फंक्शन है जिसमें हम एम मैसेज पास करते हैं और एक के की है, ठीक है. तो इस फंक्शन के बाद एक हमारे पास फिक्स्ड लेंथ कोड होता है. जो हमारा पास मैसेज होता है वो वेरिएबल लेंथ होता है, मतलब उसकी वैल्यूज़ वेरी कर सकती है, लेकिन जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो फिक्स्ड लेंथ कोड आता है. तो यहाँ पे जो मैक है वो एक्ट एज अ अथेंटिकेटर की तरह एक्ट करता है. एंड द थर्ड वन इज़ हैश फंक्शन. सो हैश फंक्शन में क्या होता है, हैश फंक्शन इज़ ऑल्सो सिमिलर विद द मैक, बट प्रॉब्लम इज़ मैक में हम एक की यूज़ करते हैं लेकिन हैश फंक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ की. इसमें कोई हम की नहीं यूज़ करते, एच हमारा एक हैश फंक्शन होता है जिसमें हम मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमारे पास एक फिक्स्ड लेंथ कोड जनरेट हो जाता है जिसे हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे जो स्मॉल एच है इसे हम हैश वैल्यू बोलते हैं या मैसेज डाइजेस्ट बोलते हैं. ये एक्ट करता है एज अ अथेंटिकेटर. अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल में, फर्स्ट हम पढ़ेंगे मैसेज अथेंटिकेशन एंड द सेकंड मैक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और लास्ट हम हैश फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे.